दोस्तों सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है। दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन से भी ओपन कर सकते हैं या डेस्कटॉप पे आप देख ही रहे हैं कैसे करना है। अगर मोबाइल फोन से करते हैं तो आपको मोबाइल फोन में डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम सब प्रोसीजर सेम होगा। तो सबसे पहले आपको साइट का नाम लिख लेना है, तो उसका साइट का नाम है kovin.gov.in साइट का नाम है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है। तो दोस्तों फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा स्लॉट, बगल में दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा। जो मोबाइल नंबर आपने वैक्सीन लेते समय दिया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाइल, अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए और नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन वाले पे आपको क्लिक करना है। तो उसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है, उसी ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आप उसमें एंटर हो जाते हैं। तो चलिए देखिए वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले जो ऑप्शन है उसको दिखाई दे रहा है नीचे, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देख लीजिए, तो आपका जो है लॉगिन एक तरह से हो जाता है। और उसी के देखिए आप फर्स्ट डोज के साइड में लिखा हुआ है राइट साइड में सर्टिफिकेट का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपके फ़ोन या आपके पीसी में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको डाउनलोड हो चुका है, इस पर थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर जाके आप फर्स्ट में ही आपको दिखाई जो भी आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउनलोड करेंगे फर्स्ट पे तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है कोरोना वायरस का जो भी टीकाकरण का जो आप सर्टिफिकेट इस तरह का होता है, तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपको कई जगह अभी मांग है, तो जहाँ भी आपको मांगा जाए कोविड का सर्टिफिकेट तो आप इस तरह से डाउनलोड करके वहाँ पे फोटोकॉपी जमा करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।